है महात्मा गांधी सेतु के सफर करने वाले। चारों लेन जब चालू हो जाएगा तो लोग बड़े ही आसानी से इस पार से उस पार आ जा सकते हैं। अभी जो जाम की समस्या है वो जाम की समस्या से उन्हें मुक्ति मिलेगी। ये गांधी सेतु की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका पूर्वी लेन बन करके पूरी तरह से लगभग तैयार हो चुका है और जो काम बचा हुआ है उसको फिनिश करने का काम चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह पैदल चलने वाला जो है, पैदल चलने वाला वो भी कंक्रीट वगैरह हो गया है और अभी उस पर रंग रोगन करना बाकी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा लंबा है उस तरह भी उसी तरह से किया गया है। ये तस्वीरों में देखिए और पेंट वगैरह किया गया है, रंग रोगन हो गया है। अभी क्या है कि दोनों तरफ का ट्रैफिक वेस्टर्न फ्लैंक पे चल रहा है, दोनों तरफ की गाड़ियों का आवागमन इधर से हो रहा है। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये चालू होने वाला है, जल्दी चालू होगा आप लोगों के सामने, जल्दी आप लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो जब ये चालू हो जाएगा तो ये जो दोनों लेन की गाड़ियां एक ही फ्लैंक पे आ रही है जा रही है वो स्थिति खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंट वगैरह हो गया है, ऊपर ट्रस वगैरह भी पेंट कर दिया गया है, लाइट वगैरह लग गए हैं। ये तस्वीरों में आपको दिख रहा है पाया नंबर 6 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है इस ब्रिज पर और इसको दूर करना ज़रूरी था। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी अस्तर भी नहीं लगा है, ये पैदल चलने वाला जो है महात्मा गांधी सेतु का वो आप देखते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा लोगों का सफ़र, लोगों का आना जाना जब ये चार लेन का पुल बन करके तैयार हो जाएगा। पूरी तरह से दोनों लेन पर गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा, तब ये जो समस्या है जाम की ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होगी लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगी। और जब उस तरफ जो चार लेन का पुल और बन रहा है तब पटना से हाजीपुर का जो सफ़र होगा वो 8 लेन के पुल से होगा। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 8 लेन के पुल से सफ़र होगा पटना से हाजीपुर का, हाजीपुर से पटना का, और लोग जिसे हाजीपुर पुल कहते हैं पटना पुल कहते हैं, तब क्या होगा ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो जाम है देख सकते हैं कि ये जाम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये देख सकते हैं ट्रस, दोनों ट्रस में कितना अंतर आपको दिख रहा है देख सकते हैं। एक तरफ पूरा नया नया पेंट है तो दूसरी तरफ जो पेंट था वो काला हो गया है। दोनों ट्रस एक ही ब्रिज का है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और दोनों का थिकनेस भी देखिए, मोटाई भी देख सकते हैं। यहाँ पे पेंट हो गया है, उधर जेब्रा कलर का दिख रहा है आपको, और रोड भी बन गया है, कनेक्ट है एक सिरा दूसरे सिरे से। और जाम तो देख ही रहे हैं यहाँ पर। पटना के तरफ हम पहुँच चुके हैं, पाया नंबर 39 आपके सामने है और ये देख सकते हैं पूरी तरह से अगर देखा जाए तो छिटपुट काम बचा हुआ है। और यहाँ पे दोनों तरफ अभी फिलहाल जो पैदल चलने वाला है वो अभी फिलहाल जितना उधर काम हुआ है पैदल चलने वाले का उतना इधर अभी काम नहीं हुआ है, यहाँ पे उसका रखा हुआ है। और बाकी अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये सब ट्रक का ट्रस आया हुआ है। और ये देखते हैं गंगा कितने सिमट गई है, बस 3-4 पाए के बीच में गंगा सिमट गई है पटना में। ये पाया नंबर 41 की तस्वीर है, ये देख सकते हैं। और हम पहुंच रहे हैं पटना की तरफ, टोटल 46 पाया है इस गांधी सेतु में, 5.575 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका री कंस्ट्रक्शन किया गया है, पहले पश्चिमी लेन को बनाया गया पूर्वी लेन को क्लोज करके, अब पश्चिमी लेन पे जब बन गया इसका इनॉग्रेशन हो गया तो आवागमन दोनों तरफ की गाड़ियों का हुआ। उसके बाद पूर्वी लेन को बनाया जा रहा है जो मानसून के पहले ही मतलब कि जून के फर्स्ट वीक में यानी कि अभी से काउंटडाउन शुरू हो गया है इसे महात्मा गांधी सेतु के रीओपनिंग का। तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि लोड बहुत है गाड़ियों की, कहीं और ज़्यादातर लोड
ओवरटेकिंग की वजह से होती है, महात्मा गांधी सेतु पे ओवरटेकिंग जो लोग करते हैं उसकी वजह से होती है। तो ये छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पर देख सकते हैं सफाई वगैरह हो रहा है, ये देख सकते हैं। ये है भी कुछ काम चल रहा है, ये देख सकते हैं पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है दोनों तरफ से रास्ते को, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं काम चल रहा है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है, तो यही है ये देख सकते हैं। और जो जाम की समस्या है वो तो है। रात में गांधी सेतु कैसा दिखता है, पूरा राइड करेंगे इस गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर, मुझे पता है आपको उसका इंतजार रहेगा। तो अब दुख दूर करने का समय आ गया, बहुत दुख खेल लिया महात्मा गांधी पे सफर करने वाले यात्रियों ने, अब दुख दूर होगा जब ये चारों लेन पूरी तरह से चालू हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। भी मिले किसी और ने अपने साथ, उनसे नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।